ये अगर आपको पता है ये कौन से वाले बर्ड्स है, देखो ना कितना मस्त आवाज करके जा रहे हैं, पता नहीं कोई साइन दे रहे हैं या फिर ये ऊपर ऊपर घूम रहे हैं कब से, पूरा पूरा उनका झुंड है। और मैं इधर बाहर ऐसे ही लेटा था तो मेरे को पता नहीं अचानक से आवाज़ आई, तो मैं देखा नीचे मोटर वोटर आवाज़ कर रहा है कि नहीं, पर देखा तो ऊपर ये देखो ये वाले बर्ड्स की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। हाँ सो वेलकम बैक टू धनकर लाइफ ऑफ प्रतीक, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इधर मोवा आश्रम की मॉर्निंग तो ऐसी ढीली डब होती है, उठ तो कब का गया था बट पिछले वाला व्लॉग को डालना था, शेड्यूल करना था, दो ढाई घंटा तो उसको सिर्फ अपलोड करने में लगा। इधर क्या है नेटवर्क का इश्यू है, नहाना बाकी है अभी, जस्ट थोड़ी देर में नहाने जाऊँगा, तब तक जो बाकी काम है वो निपटाऊँगा। और आज मेरा शायद महुआ जाने का प्लान है, थोड़ा बहुत हटाना करना है, हटाना मतलब खरीदी करना है, तो वो तो आप आगे देख ही लोगे व्लॉग में अगर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। इकबाल काका अभी बन रही है रोटी, तो सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत हेल्प करवा देता हूँ, सब्जी तो बन के रख दी है शायद कब की। देखो मस्त स्मेल तो एक नंबर आ रही है सब्जी की, और रोटली बनावा जो बना उड़ाऊ ना, ना। है ना, ना। लाओ थोड़ी गोना उड़ाऊ नहीं सुकम फावे ओ कभी मेरे को हेल्प करने देते नहीं, वो अकेले सब कर देते, उनको ऐसा है कि मेरे को काम नहीं करना। रोटली भी अकेले बना देंगे उसको, वो भी क्या बोलते हैं पका भी अकेले देंगे, सब्जी भी अकेले बनाने देंगे। कुछ आलस तो मेरे को इकबाल काका की वजह से आती है जीवन में, कुछ काम करने में मदद ही नहीं करने देते, सब उनको अकेला ही कर लेना। मजा में कालू भाई है, बजान जय श्री कृष्ण कही दियो, जय श्री कृष्ण, हाथ जोड़े जय श्री कृष्ण के भाई, जय श्री कृष्ण, वाह वाह कालू भाई वाह। तो जब तक इकबाल काका रोटी बेलते हैं तब तक अपने क्या है जो कॉलम बन रहे हैं सड़िया से, वो देखने के लिए जाते हैं कि कैसे कितना बड़ा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा नीचे, वो आपको ये सब देख के ही पता चलेगा। देखो ये ऐसे ऐसे पिंजरे बहुत सारे बनाए, ये है ये है ये है, और ये कितना झाड़ा है एमएम का सड़िया है। देखो इसको टर्न करने के लिए पूरा आरसीसी का ब्लॉक मंगवाया तब जाकर टर्न होता है, वो लकड़े से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो छोटा ही है। और ये पूरा पता नहीं कब जाके एक दो महीना तो सिर्फ ये कॉलम के वो जो क्या बोलते हैं इसको जो मटेरियल बनाने में ही चले जाएंगे। ये इतना सब गड्ढा वड्ढा गाला है, इसके अंदर ये सब डालना पड़ेगा पहले, फिर आरसीसी आएगा, बहुत माथाकुट वाला काम है भाई। ये देखो छाश माथी माखण काढ़वा मां आवी रह्युं छे, દેશી ગાયના દૂધમાંથી અથવા તો દેશી ભેંસના દૂધમાંથી છાશ બનાવવાની, એ છાશને વધારે પડતી બ્લેન્ડ કરીને બ્લેન્ડરથી વધારે એક મિક્સ કરીને એમાંથી માખણ બને છે અમારે। આમ તો દેશમાં પહેલાં વલોણાથી કામ થતું, અત્યારે તો બ્લેન્ડર ને મિક્સર ને એવું આવી ગયું છે। આ ઉપર જે દેખાય છે ને એ બધું માખણ છે, આ બવણીમાં ભેગું થાય છે, સોરી આ શું કહેવાય ને બવણી જ કહેવાય ને, નાની એવી નહીં બવણી તો ન કહેવાય, ડબલો નાનો એવો એમાં ભેગું થાય છે અને મસ્તનું આહા શું માખણ છે, વાહ હજી તો ઘણું નીકળશે એમાંથી, મસ્ત। અભી બાકી પ્રભુજી ને તો ખાના ખા લીયા મતલબ કુછ ખા રહે કુછ બાકી હૈ અભી, હમ લોગ ભી બેઠ જાતે સાથ મેં, બાઘા દાદા પતા નહીં ગરમ પાણી કે લીએ ઇધર ચૂલ્હે મેં રખેંગે, કુછ ચાહિયે ક્યા, મસ્ત રસોઈ ખાયેંગે એક નંબર। બોલવા क्या बनाना है, फोल्डर, फिर फोल्डर का क्या करेगा, फोल्डर आउट, फोल्डर आउट, फोल्डर इन, कॉन्टेज आउटेज फील्ड, क्या फील्ड ओवर लॉक ब्लॉक, ये क्या होता है सब, कोड कोड यार, कोड इन, किस चीज का कोड इन, ये फोल्डर करेगा, ये रिंग कहाँ से लिया, ये वाला रिंग यार मेरे को पहना दो ना इसमें, अच्छा रिंग है, कहाँ से लाए, रात में उनको वहीं से उड़े लगी है ए, दिखाओ तो सही निकाल के, दिखाओ तो सही, हैं प्रैंक, किसका प्रैंक करना है,
बोलो बताओ किसका प्रैंक करना है, कर देते चलो। कुछ बोलो, जनता से बात तो करो। फोल्डर मतलब का भाई? फोल्डर मतलब फोल्डर। फोल्डर यार, फोल्डर। फोल्डर या होल्डर, जो कंप्यूटर में होता है वो वाला फोल्डर ना, तो उसका क्या करना है, चलो बना देते हैं। सोल्जर फोल्ड। क्या? सोल्जर फोल्ड। सोल्जर फोल्ड, ये सब क्या है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है अशोक भाई। डायरेक्ट करेगा यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अशोक भाई क्या बोल रहे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अशोक भाई समझाओ ना थोड़ा इन लोगों को। देखो हमारा दिन तो ऐसे ही जाता है इधर पूरा, थोड़ा बहुत काम करते हैं, बैठते हैं, निगरानी रखते हैं, अशोक भाई से माथा चढ़ाते हैं, बंगाली भैया से माथा चढ़ा। बंगाली भैया खाना खाची हैं? खाना खाची, खाना खाची का मतलब होता है खाना खाओगे ऐसा, वो उनकी भाषा है, वो आप नहीं समझ पाओगे। ये कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ हमारा लैंग्वेज है, आश्रम लैंग्वेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो तुम? तुम कहाँ हंस रहे हो बे? कौन है, कौन है इसमें? रंजीत कोबरा। ये रंजीत कोबरा कौन है? रंजीत कोबरा कौन है ये तो बताओ। अगर आप किसी रंजीत कोबरा को पहचानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो ये रंजीत कोबरा कौन है। उबारे हो, मैंने तो बेसवा दियो नहीं तो अभी रेडी होके, रेडी तो नहीं हो रहे, बस ऐसे ही तैयार होके जा रहे हैं। महुआ जाना है, थोड़ा बहुत चीज़ें लानी है और एक दो काम है वो निपटाने हैं। गांव भी जाएंगे मेरे भागनगर। बाला पापा पूरा सेवेज में बीड़ी पीते पीते गाड़ी चला रहे, आप देख सकते हो गाइस। इकबाल काका थैंक यू, काली काली थैंक यू। और बाहर ये देखो प्लास्टर का काम चालू है, अभी थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनने जाएगा इसके जैसा, वो मैं बाकी का तो अभी नहीं दिखाऊंगा, वो आगे थोड़े दिन में दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत होगा तब। अभी तो ऐसे प्लेन प्लास्टर होगा, फिर उसके ऊपर डिजाइन होते वापस। चलिए अभी निकलते हैं महुआ के लिए। मास्क वास्क अभी क्या है, कोरोना वापस आ रहा है तो थोड़ा लगाना जरूरी है ना। अभी हमारे गाँव के पुराने वाले रास्ते से जा रहे हो, जो बोलते साइड है गाँव गेहूँ। अभी तो ये बावनी हुए आगे वाले, ये डुंगली चाहिए थे पापा, बट वो थोड़ी बड़ी है इसके मुकाबले। कोई लाख तो नहीं आए अभी तो हम आए मेरे गांव वाकनगर, एक जगह पे थोड़ा काम है, मीटिंग जैसा है, मेरा तो नहीं बड़े पापा का है, तो उसके वो निपटा रखते हैं, बाद में मिलते हैं। ये देखो गांव में घर कैसे होते हैं आप देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा पूरा आंगन होता है, रहने का मजा होता है, ऐसे कुआं होता है, कुएं से पानी निकलता है। बाउस कम बाउस जाओ बाउस। अच्छा बहुत यूनिक नाम है बाउंस बाउंस। ये वही प्राणी है जिसकी वजह से कोरोना पूरी दुनिया में आया था, चमगादड़। अभी देखा तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। अभी पहुंच गए महुआ, अभी जाके थोड़ा बाल सेट वेट करवाने का प्लानिंग है और थोड़ा बहुत हटाना भी करना है, तो मैं और बाला पापा जाके वो सब निपटा देंगे। अभी देखो बाल में कुछ पूरा फाती करवा दिया, तो आप लोगों के लिए पूरा सरप्राइज रहेगा, वो तो अभी उधर जाके ही डिसाइड करेंगे अभी क्या करवाना है, कैसे कट करवाना है, क्योंकि मैं अब परेशान हो गया लंबे बाल रख रख कर, बट करवाते हैं कुछ जाकर, चलो ना। और ये भाई व्लॉग बना रहे हैं ऐसा, वो भाई पूछ रहे थे अपने आगे वाले कि ये भाई क्या कर रहे हैं अकेले के फोन में बात करके। बट ये देखो गुड्डी के बाल, सॉरी गुड़िया के बाल, क्या बोलते हैं उसको, जैसा ही है मेरे को, कदाच वाड़वानी होती है, खबर नहीं पड़ती। Yeah.
अभी बाल वाल कटवाने के बाद बड़े पापा और हमारे थोड़ा राशन लेना था, तो राशन वासन ले लेते हैं थोड़ा। ऊपर का मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं क्योंकि दिखाने का लायक थोड़ा नहीं है, अभी नीचे से ही बात कर लो। वो थोड़े टाइम में रिवील करूंगा सरप्राइज क्या था, शायद आने वाले दिनों में करूँ तो करूँ, आधा ही मुँह दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वो थोड़ा राशन है वो ले लेते हैं बाद में। अभी ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बज गए, इधर को अंधेरा हो जाता है रात को 6:30 बजे, और ठंड भी बहुत पड़ रही है, और मैं हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ, मतलब हाफ स्लीव्स में घूम रहा हूँ। अभी मेरे को और बाला दादा को पकौड़ी खाने की इच्छा हो गई थी, तो सोचा वर्ली आए हैं, ये मेरा स्टाइल है, पहले पूरी खाने की फिर पानी पीने का, पकौड़ी खाते और मज़ा लेते। बहुत अच्छी अच्छी पकौड़ी मिलती है यहाँ पर लाइन में, और वैसे तो रोज रात को खिचड़ी खानी होती है, आज सोचा पकौड़ी खा लेते।